अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम उन सब्सक्राइबर को भी जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं। थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को। और ये एक हिम्मत होती है कि आप लोग जो है हमें देखना पसंद कर रहे हैं, तो वीडियो बनाने के लिए हिम्मत आ जाती है। देख लें ये सब जो है, मैंने ना अभी न्यू वीडियो मेरे ख्याल काफ़ी अर्से बाद अब डाली है। एक वैसे ही वो रिसेंटली मैंने डाली थी ना कुछ दिन बाद, वो एवी थी बस। लेकिन ये वीडियो एक हिम्मत हुई है डालने के, जब सब्सक्राइबर मेरे पास आए कि चले ये न्यू बंदों के वेलकम के लिए। साथ ही मैंने आपको ये भी बताना चाहा कि चले मैं आपको ना विज़िट करवाती हूँ मैंने जो प्लॉट लिया हुआ है उस जगह को। तो अभी प्रेशर की भी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं साथ साथ जो है हांडी की तैयारी कर रही हूँ। टाइम हो रहा है तकरीबन 11:30 का, और मैंने बनाए थे दिन में आलू बैंगन, मतलब अफ्तारी के बाद बनाए थे, और वो जी फिर एक साथ ही ऑर्डर आ गया तो वो चले गए थे। और उसके बाद जो है मैं दोबारा से हांडी तैयार कर रही हूँ जो कि मेरी फेवरेट है, आलू की टांग, वो जो बेसन की टांगरियाँ होती हैं और टांगरियाँ आलू टांगरियाँ, ये एक इंडियन रेसिपी है, जैसे कि खंडलियाँ होती हैं इस तरह की। तो पहले तो ये मिला करती थी यहीं पे बनी बनाई मिला करती थी, अब ये ख़त्म हो गई है तो मैंने ये हाथ से ख़ुद बनाई है। तो इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी मैं, बहुत मज़ेदार चीज़ होती है। बेसन की लिटरली चीज़ें सारी मुझे बहुत पसंद है, बेसन की कड़ी, खंडलियाँ, आलू टांगरियाँ और ये सब चीज़ें। खैर ये हमारा है कश्मीर रोड जहाँ से हम निकले हैं, कश्मीर रोड पीपल्स कॉलोनी के साथ है गुजरांवाला में। सब व्यूवर्स मेरे जानते ही होंगे आई एम बिलोंग फ्रॉम गुजरांवाला। बिलोंग नहीं करती, बिलोंग तो हम सरगोधा से करते हैं, लेकिन जो है मेरा अब इन लॉज इधर ही है मेरे। तो ये है हमारा जो है ना, वैसे जब भी हम अपने प्लॉट की, वैसे 6 माह से मैंने जो है ना फिज़िकली जाके इसकी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाई। हाँ ये भी बता दूँगी मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिया हुआ है, जो मैं अर्निंग करती हूँ वो इसकी इंस्टॉलमेंट ही दे रही हूँ, और बाकी अपने वैसे अटरम पटरम सुना है ना वो लफ्ज़ वो कर लेती हूँ, तो बाकी सारी जो है ना इंस्टॉलमेंट दे देती हूँ। अभी 1 साल हुआ है मैंने ये प्लॉट लिया है, 10,000 इसकी किस्त है। बहुत ही अच्छी जगह है, अगर आपने भी लेना हो तो मुझे बताइएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह सभी सेविंग करके अपने लिए कुछ बनाएं, ठीक है। बाय द वे ये मैं अपने लिए नहीं बना रही, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है कि मैं ये सब क्यों करना चाह रही हूँ। तो बस दुआओं की ढेर सारी ज़रूरत है, दुआ कीजिएगा। ये हमारा जो सीधा कश्मीर रोड जा रहा है राइट हैंड पर, यहाँ पर मेरा मायका भी है जहाँ तक हम अभी तकरीबन पहुँच गए हैं, ठीक है। और मैं आपको विज़िट करवाती हूँ, जगह अच्छी है, और मज़े की बात है कि ये बहुत अनकरीब जो है पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत बढ़ चुकी है, मकान काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं। जब मैंने पहली दफ़ा विज़िट किया था आज से 4 साल पहले, तो बिल्कुल भी गुंजान आबादी लगा था, एक भी मकान नहीं बना हुआ था। और अब तो बहुत ही, जब वो इलाका स्टार्ट होगा तो मैं आपको दिखाऊँ बताऊँगी कि ये इलाका स्टार्ट हो गया। बाय द वे ये मैंने तो जो वीडियो बनाई थी, मैंने तो जिस तरह से बनाई है वो मैंने तो बिल्कुल लैंडस्केप में बनाई थी। अच्छा ये पता नहीं इस वीडियो को क्या हो गया, तो ये तो मसला ही हो गया। चलें ठीक है जी, आप ऐसे करके देख लीजिएगा। तो ना जब वो इलाका स्टार्ट होगा ना जहाँ मेरे प्लॉट वाला, तो वो मैं आपको बताऊँगी। ये तकरीबन हम उसके पीछे आ गए हैं, यहाँ से वो उसके बाद स्टार्ट होने ही वाला है। और एक और तो दुआ उठ गई थी तो उसके पास चली गई थी मैं, उसे मच्छर काट गया था। तो जी चलते हैं इस रास्ते की तरफ, यहाँ से स्टार्ट हो गया इसे, मुझे ना ये भूल गया इसे क्या कहते हैं जगह को, यहाँ पे आसिफ साहब मुझे बता भी रहे थे। ये सेंसरे से पीछे वाला पुल है, तो कच्ची कच्ची सी जगह है, गंदी गंदी वाली सी, और धूल मिट्टी काफ़ी उठती है यहाँ पर। बाय द वे आज की प्रॉपर्टी बनाई हुई कल की बहुत बड़ी आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये याद रखिएगा आप। मुझे जो ज़ाती तौर पे ना एक प्रॉपर्टी का और एक जो है रेस्टोरेंट खाना फूड का काम बहुत पसंद है, और ये प्रॉफिटेबल काम भी है, और मुझे दोनों काम बहुत पसंद है। तो ये जो है, अच्छा यहाँ पे एक मज़े की आपको बात बताऊं कि ये जो यहाँ पे शॉप्स हैं ना, इन लोगों ने ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा कत्ल किया था आज से 15 साल पहले की बड़ी कहानी है। यहाँ पे माने जाने लोग हैं यहाँ के, ये इन्होंने ना यहाँ पे 12 अफराद को एक फैमिली के मार दिया था अंदर घुस के, जिसमें बच्चे और ख़वातीन भी मौजूद थी, और जो मारा था वो सामने वाले ही थे, मोहल्लेदारों में आपस में हो गई थी, फिर उन्होंने उनके सारी फैमिली के लोग मार दिए थे। तो अब जो एक बच्चा था ना वो अब जेल में है।
तो बड़ी लंबी दास्तान है ये, और सुन के मैं भी बड़ा शौक में आई थी, और ये कहानियाँ लगती हैं, और बाय द वे ऐसा होता है। और आजकल तो घरों में भी इंसान सिक्योर नहीं है, घरों में लोग घुसकर भी कत्ल करने लग गए हैं, क्या कुछ होने लग गया है, कहीं पे भी कोई भी सेफ एंड सिक्योर नहीं है। अजीब वक्त आ गया, समझ नहीं आती कि पता नहीं क़यामत की निशानी है क्या है, ये समझ नहीं आती कि बिल्कुल भी जिस तरह बात हो रही है इस तरह से सोचा भी नहीं जा सकता। मतलब मुझे तो लगता है अल्लाह ताला बहुत सख्त नाराज़ है, और ये क़यामत की निशानी ही है। इस तरह ही किसी ने मर जाना है, कोई डोर कटने से मर रहा है, कोई एक्सीडेंट होने से मर रहा है, कोई किस तरह मर रहा है, कोई किस तरह मर रहा है, हम लोगों ने इसी तरह मर जाना है। अल्लाह ताला ने बस वही क़यामत का फिर एंड दिन होगा, कोई एक बचेगा उसे भी अल्लाह ने जब उठा लेना तो क़यामत है। तो ये उनका डेरा है जो उनका जिन्होंने कत्ल किए थे, तो बहुत बड़ा वहाँ पर। तो ये ना सेंसरा है, वैसे सेंसरा कहते हैं इसे, और मैं जा रही हूँ गलियों से। अगर हम मेन जीटी रोड से जाए, मेन जीटी रोड से हम जाते हैं ना, तो जी मैग्नोलिया जो है, अगर आपको पता हो, यहाँ के गुजरांवाला के लोगों को पता होगा, जी मैग्नोलिया साथ में लगता है, बहुत अच्छी लोकेशन है इस जहाँ पे मैंने ये जगह ली है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। ये जी रोड शुरू हो गया जहाँ पर मेरा प्लॉट है, तो यहाँ पे अभी हम उनके ऑफ़िस जाएंगे। मैंने उनके ऑफ़िस में असल में मेरा जो कार्ड है जिन पे वो किस्तें लिखते थे वो भी मिसप्लेस हो गया था, वो लिखवाना था, और मैं अब लेना चाह रही हूँ बना बनाया घर रेंट पे। तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि वो कितना रेंट, जो कितने मरले का होगा, और जो है ना क्या रेंट है वो, सॉरी इंस्टॉलमेंट है उसकी, और टोटल अमाउंट कितनी है। तो आगे चल के ये भी बताती हूँ मैं आपको, ये रोड स्टार्ट हो गया है। अब इस रोड के हमने राइट साइड पे जाना है, तो मेरा प्लॉट है, लेकिन हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे उनके ऑफ़िस की तरफ। तो ये उनके ऑफ़िस वाला रोड है, यहाँ पर उनका ऑफ़िस है। तो ये देखें, ये सारी आबादी है, यहीं पे ही प्लॉट है मेरा, ये सारी आबादी है, बहुत अच्छी लोकेशन है, और आने वाले 5 सालों में ये जो मेरा 10 लाख का है ना, ये बन जाएगा 25 लाख का भी आराम से, इजीली। तो मुझे तो सेल करने की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इनके साथ घर का मामला बन जाए तो मैं जो है इसे सेल आउट करके जो रेंट पे, क्योंकि उसकी डेफिनेटली इंस्टॉलमेंट ज़्यादा होगी, और कुछ जो होता है वो इंटरेस्ट भी देना पड़ता है जो एडवांस पेमेंट होती है। तो ये इलाका है, यहाँ पे मैंने ये राइट होना है तो मेरा प्लॉट है, लेकिन लेफ़्ट हम जाएंगे उनके ऑफिस की तरफ, और ऑफिस में जाके उनसे पूछेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे उनसे कि क्या वो कहते हैं कि घर, अभी मुझे घर का इश्क चढ़ा है कि घर होना चाहिए, और फिर मैं उसे लेकर खुद रेंट पे दे दूँ, और कुछ रेंट वहाँ से आता रहे, और फिर कुछ इंस्टॉलमेंट में जो पैसे होंगे वो मैं डालकर दे दिया करूँगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मेरा भी ना कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ उधर लाहौर के जो है ना बने बनाए घर, तो मुझे लगा कि आसिफ साहब ने मुझे कहा है कि यहाँ भी देख लो आप अपने प्लॉट के साथ ही, इन लोगों के पास भी है, तो सोचा चलें पहले इनका देख लेते हैं फिर लाहौर में जाएंगे। तो लाहौर वाला तो काफ़ी अच्छा है उनका, लाहौर वालों ने रेट बताया 26 लाख, और 2 मरले का घर है, 26 लाख उनका वो है, और उसमें उनका जो इंस्टॉलमेंट है वो मेरे ख्याल से है 24,000, तो बना बनाया घर का, और उसके बाद जो 2 लाख आपने फिर से उन्हें देना है आफ्टर 6 मंथ, और 2 लाख आपने, 1 लाख आपने वो उन्होंने कोई पेमेंट रखी हुई है, कंफर्मेशन पेमेंट कहते हैं उसे। ये हम उनके ऑफिस आ गए हैं जी, इनसे मिल के बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ है। और यहाँ पे हुआ ये था, हम आ गए थे बाहर, उन्होंने कहा है कि आप विज़िट कर लें, इसका जो रेट है वो 24 लाख है, और इंस्टॉलमेंट है इसकी 25,000, और ये 2 मरले का घर है, तो मैंने 2 मरले का ही उनसे पूछा था। अब हम वहाँ जा रहे हैं, मुझे तो जो है बिल्कुल भी ये घर पसंद नहीं आया, जो लाहौर वाला है वो बहुत मोर 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 बेटर देन दिस, वो बहुत अच्छा है, और उसमें ये है कि आपने 6 माह में ही उनकी 3 पेमेंट्स क्लियर करनी है, दो लाख की, लेकिन उसके बाद जो है आपकी इंस्टॉलमेंट ही चलती रहेंगी, और 6 ईयर प्लान है ये भी, इनका भी 6 ईयर प्लान है, लेकिन मुझे इनका घर पसंद नहीं आया, क्योंकि ये लोग सिर्फ जो बना हुआ जो चिप्से लगे वो ही दे रहे हैं, और वो नहीं लगी हुई टाइल पत्थर वगैरह नहीं है, बस इसी तरह सीमेंट वाला ही देंगे, और मुझे तो बहुत तंग भी लगा था, मतलब बना हुआ तो वो भी 2 मरले में, ये भी 2 मरले में, लेकिन ये बहुत कंजर्वेटिव लग रहा था,
आई डोंट नो व्हाई कि इनका क्या नक्शा है। ये है इनका जो है घर और ये आप देख लें यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये तो भी ख़त्म कर दिया है, मैंने कहा प्लॉट इनका जो है चलता रहे, मैं देखूँगी लाहौर वाला ये देखूँगी। तो लाहौर वाले की यह है कि उनकी 6, मुझे लगा था कि अभी क्योंकि मैंने, मेरे पास इतनी सेविंग नहीं है कि मैं एडवांस दूँ उनका, भी 6 मंथ में ही उन्हें हमने 6 लाख पे करना है। तो मुझे लगा था ये प्लॉट बेच देते हैं, इसकी किस्तें मेरे ख्याल से मेरी काफ़ी चली गई हैं, कोई 2.5 लाख। तो मैंने माशाल्लाह इनकी 10,000 किस्त बनती थी एक साल में, मतलब मेरा 1 लाख जाना चाहिए था, मैंने 2.5 लाख तक दे दिया इन्हें, क्योंकि मेरे पास जैसे जैसे ज़्यादा आता था मैं जो है ना देती रहती थी किस्तें। तो ये सारी सीन है ये सारा। और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आपके पास थोड़ी सी सोर्स ऑफ इनकम है, 10,000-20,000 कुछ भी अमाउंट नहीं होती, आप जो है अपनी किस्तों पे घर ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं। ये आज का 10,000 का आपका जो निकाला हुआ बजट है, ये कल को करोड़ों का है। तो आप ये लें और अपने लिए भी और फ्यूचर में बच्चों के लिए भी सुकून पैदा करें। लेकिन मैंने अपने और अपने बच्चे शच्चे कुछ भी फ्यूचर के लिए नहीं लिया, मैंने तो जो है इंसानी खिदमत के लिए ये सारा काम शुरू किया हुआ है कि अल्लाह पाक मुझे इतना ज़्यादा दे के मैंने फ़िलहाल तो ये छोटा 0 से स्टार्ट किया हुआ है। ये जब बन जाएगा उसके बाद इससे बड़ा लूँगी, फिर बड़ा जब ले लूँगी उससे फिर बिल्ड करूँगी, बिल्ड करने के बाद वो हम बचपन में कहते थे ना, वो एक गाय लेनी, गाय का क्या करना है, दूध चोना है, दूध चोने के बाद खीर बनानी है, खीर बच्चों में बांटनी है। तो ये वही हिसाब है कुछ, मैंने भी कुछ इसी तरह का सीन करना है। तो ये बहुत लंबा सीन है लेकिन आपकी दुआओं की ज़रूरत है, होने को बहुत जल्द हो सकता है, दुआ करें बस। मेरे जो अल्लाह ताला इरादे तो अच्छे हैं आगे, बस अल्लाह पाक जो है ना जल्द जल्दी पूरे कर दे। तो वीडियो का हो गया इख्तिताम, हम भी चलते हैं गुड बाय की तरफ और दुआओं में याद रखिएगा। और बहुत 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 जो एक अच्छी वाली ख़ास वाली होती है ना याद करके, वो वाली दुआ करनी है मेरे लिए। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करनी है, जब भी नमाज में आपको ख्याल आए कि दुआ मांगनी है तो मुझे ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दुआओं में बहुत असर होता है और मेरा इस बात पे बहुत ईमान, बहुत अकीदा है कि दुआ जिसकी कबूल हो जाए वो जो है आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, और किसकी कबूल हो जानी है ये कोई पता नहीं होता। शायद आप में से किसी की किसी के लिए मैंने दुआ की हो वो कबूल हो चुकी हो, आप लोगों को ना पता हो, ये एक राज की बातें होती हैं, लेकिन अल्लाह पाक किसी ना किसी के सुनता ज़रूर है। मेरी भी अल्लाह पाक बहुत करीब से सुनता है, लेकिन दूसरों से सिफारिश कर देना अच्छा होता है ताकि अल्लाह को पता हो कि इसकी सिफारिश ज़्यादा है, तो इसकी चलो सुनने लो। तो ज़रूर इसलिए दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।